आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने नालंदा जिला से आ रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में बदमाश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। यह मामला खिलसा प्रखंड के चिकसौरा थाना क्षेत्र के कोरामा गाँव का है। बताया जाता है कि बिट्टू कुमार नामक एक व्यक्ति वह अपने 4-व्हीलर से वह जा रहे थे। इस दौरान जलालपुर गाँव के पास कुछ लोग उनके कहते हैं कि टकरा गया, गाली गलौज होना शुरू हो गया। उसके बाद वह अपने पिता को जाकर बताए और पिता को बताने के बाद उसके पिता सिद्धनाथ अपने 2 साथी मुन्ना एवं रुपेश के साथ पहुंचे, जहां बदमाशों ने उन तीनों को गोलियों से छलनी कर दिया है। हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल के एम्बुलेंस के माध्यम से आनन फानन में तीनों जख्मी को इलाज के लिए हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया है, जहाँ चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। इस घटना को लेकर चिकसौरा थाना के थानाध्यक्ष बब्बन कुमार दलवल के साथ हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में पहुँचे हैं और इस मामले की पूरी जाँच पड़ताल करने में जुट गए हैं। उसके बाद हिलसा अंचल के इंस्पेक्टर रामाशंकर प्रसाद भी पहुंचे हैं और इस मामले की बारीकी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में इस तरह का बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर 3 व्यक्तियों को जख्मी कर दिया है। यह मामला प्रकाश में आया है, किस लिए किया गया है, हर बिंदु पर चिकसौरा पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। थानाध्यक्ष चिकसौरा, करीब समय 1:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम कुरामा में गोलीबारी के क्रम में 3 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने में जिनका नाम है सिद्धनाथ प्रसाद ग्राम फुलवरिया और एक है रुपेश कुमार ग्राम कुरामा के और एक मुन्ना कुमार जिनका घर 4 बीघा पड़ता है। विवाद का कारण यह है कि ग्राम कुरामा में गाड़ी घुमाने के क्रम में वाद विवाद में दोनों पक्ष अपना अपना आदमी बुला लिए समझौता के लिए, लेकिन इसी बीच गोलीबारी हुई जिसमें 3 व्यक्ति जख्मी हो गए। तीनों की स्थिति सामान्य है। अभी वर्तमान में 3 व्यक्ति हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। जय कोरमा गांव में चिकसौरा थाना अंतर्गत पड़ता है, उसी चौराहा किराना दुकान के पास बिट्टू नाम का लड़का गाड़ी रेस ड्राइविंग कर रहा था, उसी पर गोली चलाने वाला जो था वो बोला कि ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हो, इसी बात पर गोली तरह तक चलाया जिसमें 3 आदमी जख्मी हो गया है। रुपेश जना, क्या नाम है भैया? रुपेश कुमार। उमेश कुमार? रुपेश कुमार। पिता का नाम? विजेंद्र प्रसाद। रुपेश कुमार विजेंद्र प्रसाद जी। कुरामा? कुरामा जी। क्या हुआ जो इसका, क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग जा रहे थे, सब ड्रग चेक का मारने लगा। किस स्थान पर? कर्मा चौराहा पे। गोली भी लगा आपको? जी। हाथ में भी लगा? हाथ में और जांग में। जांग में भी है? जी, यही है कमर तरह जी। प्रसाद प्रसाद। पिता का नाम? शिव प्रसाद। घर फुलवड़िया। क्या घटना घटी? वो कोरमा बाजार गए तो छेक के अथी किया, मारपीट किया, डायरेक्ट गोली मार दिया। आपके बाएं पैर में गोली लगा? हाँ, बाएं पैर में गोली लगा। गोली पैर के अंदर लगा हुआ? हाँ, गोली पैर के अंदर। विवाद तो कुछ नहीं था, लेकिन बचा गया तो उसको गाड़ी दिया था। हम पूछने गए हैं, समझौता में गए हैं तो तुरंत कुछ, हाँ पूछबो नहीं किया, डायरेक्ट गोली। मुन्ना कुमार। पिता का नाम? नगीना प्रसाद। 4 बीघा। क्या घटना घटी? वहाँ पे खड़ा थे हम, उसने भी मार दिया गोली। वहाँ पे मैंने खड़ा थे समझौते में, तो वहाँ पे खड़ा थे। क्या चीज़ का विवाद हुआ था समझौते में? वो लड़का गया था, मैंने कि खाद लगाने गया था, उसी में बोला कि बोला बोली किया था, समझाने गया था, उसने मार दिया गोली। ऑटोमेटिक कैसे कैसे घटना? हम जा रहे थे, हमें गाली दिया, हम पापा को बुला के समझाने के लिए बुलाए, डायरेक्ट पापा के गोली मार दिए। क्या हुआ था मामला? जो मैं गाड़ी जा रहा था, 4 व्हीलर से जा रहे थे, गाड़ी मोड़ रहे, गाड़ी नहीं बजा, गाड़ी देने लगा, डायरेक्ट पापा गए, डायरेक्ट गाली दिए, गोली मार दी।